इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। सरकार ने हर विषय पर चर्चा करी है, सारी चीजों की गंभीरताएं देखते हुए क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसके ऊपर, चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे बेसिक राशन सप्लाई की बात हो। और एक अहम चीज जो आज इस परिस्थिति को देखते ली है कि जिस तरीके से AAY और उसके साथ BPL परिवारों को राशन सरकार दे रही थी, आज ये निर्णय जरूर हुआ है कि साथ में जो OPH होल्डर हैं उनको भी हम राशन की व्यवस्था देने का काम करेंगे, जिससे गरीब आदमी को किसी प्रकार की बेसिक नेसेसिटी की दिक्कत ना आए। जहाँ पर भी आज के दिन सब्जी या राशन की व्यवस्था नहीं पहुँच रही, वहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी बसों की कुर्सियाँ हटाकर मोबाइल मार्केट बनाकर सब्जियाँ और एसेंशियल आइटम्स को प्रोवाइड कराने का काम भी करेगा। और साथ में क्योंकि हमारे लगभग 1000 के ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास खुद का कोई फाइनेंशियल फंड नहीं है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने आप को सैनिटाइज कराया है, आपने देखा कई विधायक भी फील्ड में उतर रहे हैं सैनिटाइजेशन प्रोसेस को लेकर, कई ग्राम पंचायतों ने उन्हें बड़ा सराहनीय काम किया है कि अपने गांव को लॉकडाउन भी किया है और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन भी अपने अपने गाँव की वो खुद करवा रहे हैं। तो उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी जो हाइपोक्लोराइड है जो सैनिटाइजेशन के अंदर ब्लीच के साथ मिलाकर इस्तेमाल में आती है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए तमाम हमारी इंडस्ट्री जो इसके रिलेटेड है उससे डिटेल भी मंगा ली, स्टॉक डिटेल भी मंगा ली। और जहाँ जहाँ ग्राम पंचायतों के पास खुद के फंड नहीं थे वहाँ हमने HRDF से 20,000 रुपये उनको इशू करे हैं कि वो अपने गांव को भी सैनिटाइज करवाए, जिन जिन ग्राम पंचायतों में खुद के फंड नहीं थे। तो उसके साथ साथ जो राशन की व्यवस्था है प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा भी ले लिया गया है और हमारा प्रयास है कि हम 3 तारीख से पहले पूरे हरियाणा प्रदेश के डिपोज के अंदर अगले महीने का राशन जो सरकार ने मुफ्त में देना है उसकी व्यवस्था बना देंगे। एक दिल्ली में जिस तरीके से मामला आया निजामुद्दीन का, हरियाणा में इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए भी कोई ऐसी चर्चा? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे अपील करता हूँ कि ये हीरो बनने का समय नहीं है, ये समय अपने आप को और देश को बचाने का है। प्रधानमंत्री जब हाथ जोड़ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो, तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस मुहिम का साथ भी दें और अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखने का काम करें। ऐसी गैदरिंग्स में ना जाना हमारे देश के प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जो वाकया निजामुद्दीन का आया है, जहाँ 33 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ से तेलंगाना में भी कोई डेथ रिपोर्ट हुई है, हमारे यहाँ भी शायद हरियाणा में झज्जर में पंचकुला में मेवात में कई जगह वो लोग गए हैं, उसी तरीके से कश्मीर के नए केसेस बड़े एग्रेसिवली आ रहे हैं, कल हम 1250 का आंकड़ा पार कर चुके, ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। और उस कंसर्न को ओवरकम करने के लिए एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जिस तरह का केस हिसार में आया कि 18 तारीख को लड़की विदेश से आई और आज 31 को वो पॉजिटिव होती है, तो ये अपने आप दिखाता है कि इसके लक्षण आने में समय लेते हैं। मुझे लगता है कि दूरी बनाए रखेंगे, अपने घर पर रहेंगे, प्रधानमंत्री के आग्रह पर 14 तारीख तक अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे, ये विश्वास है कि सरकार आपके मूलभूत जरूरियात की सारी व्यवस्था को बना कर रखेगी। एक आग्रह मैं आपके माध्यम से जो लेबर प्लायन कर रही है उनसे करना चाहूँगा कि आप प्रदेश की धरोहर हैं, आप हमारी बैकबोन है, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, आप लोगों के लिए हर व्यवस्था बनाना हमारा काम है। सरकार द्वारा प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को 1-1 करोड़ रुपया आम व्यवस्था बनाने के लिए मुहैया करा दिया गया है, पर्याप्त मात्रा में राशन की व्यवस्था समाज सेवी संस्थाएं भी कर रही हैं और हमने यही आग्रह किया है कि उनको एक जगह कलेक्ट कर प्रॉपर राशनिंग का सिस्टम बनाया जाए। और तमाम इंडस्ट्री के लोगों से कल 4 घंटे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई और उनने भी ये विश्वास दिलाया है कि
आज रात तक तमाम लेबर्स के खातों में उनके पैसे भी डाल दिए जाएंगे और परिवार की तरह। मुझे एक चीज जरूर पिछले एक सप्ताह में देखने में समझ आई कि पैसे की कमी नहीं है। आज लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं पैदल, वो इमोशनल ज़्यादा है, अपने घर जाना चाहते हैं। उनसे हाथ जोड़कर मेरी अपील भी है कि आप प्रदेश की धरोहर हैं, आप हमारे प्रदेश की इकोनॉमिक बैकबोन है, उसके अंदर आपका हरियाणा में रहना, सुरक्षित रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आप जहाँ भी है वहीं रुके रहिए और प्रदेश को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित। किसानों को लेकर सर क्या चर्चा हुई, सीजन स्टार्ट हो रहा है मंडी? ऑलरेडी सरकार ने, क्योंकि लॉकडाउन 14 तक है, 15 तारीख से सरसों की खरीद का प्रॉपर प्लानिंग बना ली है। हमने एडिशनल मंडीज का प्रपोजल रखा है, एक दो दिनों के अंदर उनको भी हम लिस्टिंग कर देंगे। और गेहूँ की खरीद 20 तारीख से लेकर रेगुलर प्रोसेस में तो चलेगी, मगर किसान, हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अगर केंद्र अप्रूव करती है तो अगर किसान डिले करता है पूरे प्रोसेस को, अपनी एक महीने बाद फसल देता है, तो केंद्र सरकार भी बोनस दे, हरियाणा सरकार भी उसमें एडिशनल बोनस देने का काम करे। ठीक है सर, थैंक यू।